नमो नारायण, आप सबका स्वागत है तंत्र विक्षा यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में। दूसरी वीडियो के अपेक्षा यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कृपया विषय वस्तु को ठीक से समझने के लिए पूरी वीडियो धैर्य के साथ देखें। जैसा कि मैं पहले भी आपके लिए बहुत सारी साधनाएं लाता रहता हूँ, तंत्र विक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं कुछ ऐसी साधनाएं देता हूं जो या तो विलुप्त होने वाली हैं या विलुप्त हो चुकी हैं या होने की कगार पर हैं। तो उन्हीं साधनाओं में से आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं, एक ऐसा कलाम बता रहा हूं जो थोड़ा पंजाबी टच में है, लेकिन यदि आप इसको सिद्ध कर पाओगे तो अपने दुश्मन को बिल्कुल बिठा दोगे, वो डिटेन होकर बैठ जाएगा और आपके खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। मात्र इसको कुछ ही परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से साधक की अपनी शक्तियाँ भी जाती रहती हैं और इसका प्रयोग कभी भी अचूक नहीं जाता। अघोरियों की साधनाएं अलग अलग कल्ट्स में, अघोर पंथ में, नाथ संप्रदाय में और अलग अलग संप्रदायों में की जाती हैं। मसाण से अपर क्लास का ये देवता अपने आप में बहुत सक्षमता रखता है और सूक्ष्म तत्व से साधक के सिद्ध हो जाने के उपरांत देह में सूक्ष्म वास करता है और साधक की इच्छा के अनुरूप कार्यों का प्रतिपादन करता है। अधिकतर इनकी साधना व्यर्थ नहीं जाती, जिस प्रकार अपर श्रेणी के देवताओं की बहुत सारी साधनाएं व्यर्थ चली जाती हैं, यह साधना व्यर्थ नहीं जाती है और इसमें अगर एक बतासा भी चढ़ा दोगे उसकी भी कीमत आपको मिलेगी। क्योंकि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से व्यस्तता अधिक रहती है, इसलिए मैं आपको लगातार वीडियोस नहीं डाल पाता। मन में इच्छा होने पर भी समय मिलने पर ही मैं साधनाएं डाल पाता हूँ, क्योंकि इसमें एक बारीकी यह होती है कि अगर मैं साधनाएं डालता हूँ तो उसके साथ एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो जाती है कि इस साधना से कोई अपना अहित न कर बैठे। बहुत से ऐसे साधकों के फोन और बहुत से ऐसे साधकों से संपर्क मेरा होता है अक्सर, जो फोन करते हैं या कैसे भी, वे लोग अक्सर साधनाएं इंटरनेट के माध्यम से अथवा कहीं पढ़कर देखकर कर लेते हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप से उनको कोई अनुभव नहीं होता, जिसके कारण उनके पास जो जीवन में सुख शांति है, समृद्धि है, वो भी जाती रहती है। कुछ कुछ साधनाएं जो होती हैं वो गृहस्थ साधकों के लिए नहीं होती, लेकिन थोड़ा लोभ में आकर के या ममता में आकर के साधक जो है उसको कर लेते हैं। उससे उनके गृहस्थ जीवन के ऊपर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनका गृहस्थ जो होता है उसकी कंडीशन पूरी तरह से चरमरा जाती है, व्यवस्था हिल जाती है। बहुत से ऐसे साधक हैं कि होली, दिवाली या जब कोई पर्व आता है तो उनके पास पैसा नहीं होता, या किसी बड़ी साधना को उठाते हैं तब वो बिल्कुल कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाते हैं। अघोरवास के बारे में आपने सुना होगा, वास्तव में यह चीज एग्जिस्ट करती है। अघोरवास एक ऐसा दोष जो कि मूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिस घर में यह डाल दिया जाए
तो कुछ एक अपर देवताओं को छोड़ करके बाकी कोई भी शक्ति उसका निराकरण नहीं कर पाती। या तो जिसने यह किया होता है वही इसका तोड़ आपको लगा सकता है, अर्थात वही व्यक्ति आपको इस समस्या से निपटान करवा सकता है। वैसे तो मैंने पहले भी अघूरियों के बहुत काट लगाने का, सिद्धि करने का, झाड़ा उतारा करने का मंत्र दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पिंगल वीर की, अघोरी वीर की एक ऐसी मंत्र बताने जा रहा हूँ, ऐसी कलाम बताने जा रहा हूँ, ऐसा कड़ा बताने जा रहा हूँ जो कि आपके शत्रु को आपके मन के मुताबिक कष्ट देने में सक्षम है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक आग्रह करूँगा कि इस मंत्र का दुरुपयोग न किया जाए और कृपया इसे कॉपी पेस्ट न किया जाए, क्योंकि मेरे कहने के बावजूद भी कुछ लोग यह दंभ भरने लगते हैं कि हमने गुरु की बड़ी सेवा की तब जाके यह मंत्र दिया, यह तो गुरु परंपरा का मंत्र है। देखिए, सब डफांगबाजी, बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जो चीज़ आपको जहाँ से प्राप्त हुई है उसको उसका श्रेय जाना चाहिए, बाकी ईश्वर सब जानता है। मात्र कंटेंट क्रिएट करने के लिए यह कोई चूतड़ हिलाने वाली पोस्ट नहीं है। इससे बहुत सारे लोगों का जीवन बन भी सकता है और बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद भी हो जाता है। और दूसरे, जैसे कोई दुष्ट तांत्रिक से तुम्हारा पल्ला पड़ गया, अब वो सब कला में, यंत्र में, तंत्र में, मंत्र में, क्रिया आदि में जो है सक्षम है, तो तुम इस मंत्र द्वारा उसकी हर एक चीज को रोक सकते हो। तुम सक्षम हो जाओगे रोकने के लिए। और वह बेचारा मात्र मूक दर्शक बनकर देखने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, कोरी कोरी पिंगल कोरी, छप्पड़ बैठा नावे कोरी, सुथरा कोरी मैला कोरी, काला कोरी गोरा कोरी, ऊंच नीच ना देखे कोरी, नरमुंड माला पावे कोरी, मनसा राम गुरु दा बच्चा, फाड़ कलेजा खावे कच्चा, उल्ट पल्ट गद्दी उल्ट पल्ट पौन, जिसते भेजा पिंगल कोरी, उसनू आण बचावे कौन, घोर दा आसन घोर सिंह आसन, पिंगल वीर हथ कड़ी लगावे, मेरा भेजा घोर मचावे, घोर दिखावे घोर खिलावे, मैला घोरी मैल चलावे, पैर में बेड़ी हथ में हथ कड़ी लगावे, चल मुर्दे की खोपड़ी उस पर पिंगल वीर, आण मच्छिंद्र नाथ की देखे तेती देव, देवी बंद देवता बंद, पितर बंद जमादार बंद, नूरी बंद खाकी बंद, काला बंद सिफली बंद, पीर ते दरवेश बंद, गुरु गोरख दा कड़ा बंद। मैं यहाँ आधा मंत्र आपको दे रहा हूँ। मुझे फिर भी डर लगता है कि यहाँ पर मैनुपलेटर्स चीटर्स लोग यहाँ से मंत्र को उठा लेंगे। अगर मेरे किसी साधक को या साधना करनी हो तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप के माध्यम से 8194951381 जो मेरा नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप द्वारा आपको टेक्स्ट भेजना होगा। रिस्पेक्टफुल बात करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। अगर डिसरिस्पेक्टफुल कुछ बात करेंगे, आप कोई न्यूडल नहीं खरीद रहे, आप कोई बर्गर का ऑर्डर नहीं दे रहे, बी पोलाइट। जब भी आप सही से बात करेंगे आपको मंत्र मिल जाएगा। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।